गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कॉपी एंड पेस्ट। हम कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड को किस तरीके से दूसरे जगह पे वही चीज़ कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। समटाइम्स वी आर रिक्वेस्ट टू टाइप सम वर्ड्स रिपीटेडली, फॉर दिस वी यूज कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शंस। कभी कभी हमें जैसे कुछ शब्द को रिपीटेडली चाहिए, बार बार चाहिए, तो उसको हम कॉपी और पेस्ट ऑप्शन से किस तरीके से यूज करके उसको टेक्स्ट को हम वहाँ रख सकते हैं। स्टेप वन, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और सेंटेंस टू बी कॉपीड एंड सिलेक्ट द वर्ड। पहले हम क्या करेंगे, कर्सर को जिस टेक्स्ट को हम कॉपी करना चाहते हैं उसके बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में रखेंगे कर्सर को, जो हमारे ब्लिंकिंग लाइन है, कर्सर को स्टार्टिंग में रखेंगे और वर्ड हो या सेंटेंस हो उसके बिगिनिंग में रखेंगे और उसको पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करते हैं, माउस की हेल्प से हम लेफ्ट बटन को दबाएंगे और ड्रैग करते जाएंगे तो उसके ऊपर ये ब्लू कलर देख रहे हैं, इस तरीके से आपकी सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब। उसके बाद हम कॉपी ऑप्शन में क्लिक करेंगे जो कि हमारे होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में रहता है, इसमें क्लिक करेंगे कॉपी ऑप्शन, या नहीं तो आप देखिए राइट क्लिक करोगे तो ये आपकी कॉपी ऑप्शन यहाँ से भी आएगा, इसको हम क्लिक करेंगे। मूव द कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वांट द वर्ड और सेंटेंसेस टू बी कॉपीड। इसके बाद आप मूव द कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वांट टू द वर्ड और सेंटेंस टू बी कॉपीड। आप कर्सर को उठा के लेके जाओगे, मूव करोगे, आपको जहाँ रखना है वो सेंटेंस या वर्ड को जहाँ रखना चाहते हो। क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन इन क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब। देखिए आपके यहाँ पेस्ट ऑप्शन है, एक तो यहाँ क्लिक कर सकते हो या यहाँ पेस्ट ऑप्शन क्लिक करके आप अपने जो वर्ड को कॉपी करना चाहते हो कर सकते हो, या आपकी शॉर्टकट की एक है कंट्रोल प्लस सी इज द शॉर्टकट की यूज टू कॉपी द आइटम फ्रॉम द स्क्रीन। आप कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल प्लस सी एक साथ प्रेस करके आप कॉपी कर सकते हो। देन पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस भी होता है, उसको आप यूज करके कर सकते हो। कॉट एंड पेस्ट, कॉट एंड पेस्ट ये क्या है, कॉट हमें एक जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और दूसरे जगह पे हमें उसको चाहिए, और जो पहले लिखा था उसको ये डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है। कॉट और पेस्ट इस तरीके से होता है, पहला वाला ये इरेज हो जाएगा और दूसरे लोकेशन पे ये आ जाएगा। समटाइम्स वी वांट टू रिमूव सम वर्ड्स फ्रॉम ए प्लेस एंड पुट देम एल्सवेयर। कभी कभी हमें कुछ वर्ड को एक जगह पे रिमूव करना होता है और उसको दूसरी जगह पे रखना होता है, तो हम क्या ऑप्शन यूज करते हैं, कॉट एंड पेस्ट। फॉर दिस वी यूज कॉट एंड पेस्ट ऑप्शन, इट इज सिमिलरली टू कॉपी एंड पेस्ट। ये भी आपकी कॉपी पेस्ट की तरह ही है। मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड टू बी कॉट एंड सिलेक्ट द वर्ड। आप पहले क्या करोगे, कर्सर को पहले बिगिनिंग वर्ड पे आप लेके जाओगे, आपके सेंटेंस की पहला वर्ड जहाँ होगा वहाँ रखोगे, उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट किस तरीके से करेंगे, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद ड्रैग करते जाएंगे और हमारे जो टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन कॉट ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब। उसके बाद होम टैब टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमारा जो कॉट ऑप्शन आता है इसमें क्लिक करेंगे, या ये राइट क्लिक करके भी ये कॉट ऑप्शन आता है। कंट्रोल प्लस एक्स इज द शॉर्टकट की यूज टू कॉट द आइटम फ्रॉम द स्क्रीन। आप कीबोर्ड की हेल्प से भी कॉट ऑप्शन की यूज कर सकते हो, तो कंट्रोल प्लस एक्स एक साथ दबाओगे तो कॉट ऑप्शन की यूज आपकी
काम करेगा। उसके बाद मूव द कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वांट द वर्ड टू बी पेस्टेड। आप कर्सर को रखोगे, आपको जहाँ उस वो वर्ड को पेस्ट करना है, जहाँ रखना है आपको, क्लिक ऑन पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब। उसके बाद आपकी पेस्ट ऑप्शन में जाओगे, क्लिक करोगे तो आपकी जो वर्ड है वो पेस्ट हो जाएगा। पहला वाला इरेज हो जाएगा और दूसरा वाला आपकी पेस्ट हो जाएगा। क्रिएट ओपन एंड सेव ए डॉक्यूमेंट। आप एक डॉक्यूमेंट को, अगर आप एक लेटर टाइप कर रहे हो, उसको कैसे तैयार करोगे, कैसे ओपन करोगे और कैसे सेव करोगे। व्हेन यू क्लिक फाइल बटन इट विल शो ए मेन्यू दैट कंटेन न्यू ओपन सेव सेव एज ऑप्शन। आप जब फाइल बटन को क्लिक करते हो तो ये सारे ऑप्शन आता है, ओपन न्यू सेव एज, इस तरीके से आता है। हाउ टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्लिक ऑन द फाइल बटन, क्लिक ऑन द न्यू बटन। आप जब कोई डॉक्यूमेंट तैयार करो क्या करोगे, फाइल ऑप्शन में, फाइल बटन में जाओगे, फाइल बटन में न्यू बटन होता है, न्यू बटन में क्लिक करोगे, देन ए न्यू डॉक्यूमेंट ओपन्स दैट गिव्स यू ब्लैंक स्पेस टू डू वर्क। आपको आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें जाके आप टाइप करोगे। यूज़ द कीबोर्ड फॉर टाइपिंग व्हाट एवर यू वांट। आप कीबोर्ड की हेल्प ले सकते हो जहाँ आप टाइप करना चाहते हो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेव किस तरीके से करते हैं। हमने टाइप कर लिया तो सेव किस तरीके से करते हैं। थैंक यू।